हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, तो अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है पिंकी यादव जौनपुरी है, मैं आप लोगों को स्वागत है ब्लॉग वीडियो में। तो मैं कुछ कहना चाहती थी दोस्तों, आप लोग सुनिएगा पूरा, क्या कहना चाहती थी क्या नहीं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, डिलीट मत करिएगा। तो मैं क्या कहना चाहती थी आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आप लोग क्या दुख की बात है क्या नहीं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। हाथ जोड़ कर निवेदन है आप लोगों से, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। तो मालती चौहान का आया है जो रिपोर्ट में, और जो रिपोर्ट में आया है उसमें दिखाया जा रहा है कि मालती चौहान का बॉडी कहीं स्टूडियो पर रखा है, और फांसी का फंदा जो लगा है वो उनके बेडरूम में लगा है। तब बताइए दोस्तों, कैसे मतलब कैसे सोचा जाए, किसके इल्ज़ाम दिया जाए, जो विष्णु राज मारे हैं कि कोई और मारा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही बात चिंता लग रहा है कि मालती चौहान ऐसा नहीं कर सकती हैं, कोई मारा ही है उनको। और बच्चे मासूम का बच्चा का बहुत याद आ रहा है कि कौन देखेगा, माँ के बगैर कोई नहीं देख सकता है। बड़ी दुख की बात है दोस्तों, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, प्यार दिला देती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।